गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमछो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने कल के मॉर्निंग मोटिवेशन के बाद नीचे कमेंट किया कि सर ये प्रेम मोहब्बत की बातें सुन सुन के हम पक चुके हैं और अब हमसे आप दोबारा इस बारे में बात मत कीजिए, आप हमको पहले जैसा पुराने सा मॉर्निंग मोटिवेशन दिया कीजिए कि उसमें कुछ कहानियां कुछ किस्से। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि यदि आप इन बातों से पक चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको देखो मैं बोलता हूं ना कि प्रेम जो है वो बुरा नहीं है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि आप तक मेरा मैसेज पहुंच गया है और अब आप ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये बातें करना नहीं चाहता हूं। मुझे भी जो है बार बार ये आपको रोकना समझाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है। कैसे मालूम चलता है? हार्ट कनेक्ट के जो मेल हमारे पास आया करते थे उसमें से 90% प्रॉब्लम वही हुआ करती थी। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो जो पढ़ने पर फोकस कर रहे हो, जिसको ये सब बातें नहीं सुनना है। एंड आई एम एग्री विथ यू कि मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूं, बुरा नहीं माना मैंने उस बात को, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब हम जीवन दर्शन की किताबों की अच्छी चीजों की बात करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बात कुछ दिन तक अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैं भी करना नहीं चाहता हूं यार ना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो जो समस्याएं सामने आती है उसके अनुसार हम लोग अपने वीडियो में बोल देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बड़ी अच्छी बात, आज मैंने जो है वो एक मैंने कहीं स्टोरी सुनी पड़ी मैंने, उस पर मुझे कुछ किस्सा अपना भी याद आया तो मैं आपको बताता हूँ कि एक कहाँ एक मैंने किसी ऑथर ने अपनी कहानी में, नाम भूल रहा हूँ उनका, कोई बड़े ऑथर है, उन्होंने बताया कि वो एक जगह जब रहा करते थे, कलकत्ता के पास कहीं की बात है, कोलकाता में कहीं वो रहा करते थे, तो उनके घर से ऐसे दो घर छोड़कर एक छोटा सा घर था, यहाँ पे कुछ एक बड़ा लोअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली वहाँ रहा करती थी, मतलब कि बहुत पैसा नहीं था उनका, मतलब परिवार बड़ा था, अर्निंग कम थी, तो समझ लीजिए आपकी एक होता ना कि संघर्ष, बहुत फाइनेंशियल बड़ा संघर्ष था। वो फैमिली उनके दो घर छोड़कर रहा करती थी और इनका घर जो है वो अच्छा खासा दो मंजिला घर था इनका, जिनके पास पिताजी अच्छे किसी कंपनी में नौकरी किया करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी, पर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था तो पैसे की कोई कमी ऐसी थी नहीं, सब कुछ बढ़िया था, मतलब एक बेहतर मिडिल क्लास फैमिली थे, है ना, हम सब अधिकांश लोग मिडिल क्लास ही हैं इंडिया में। तो एक दिन ये ऑथर जो थे वो उन्होंने बताया कि एक दिन मैं स्कूल से लौट रहा था तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो है वो जो हमारे पड़ोसी है उनके घर के बाहर एक कटोरा लेके खड़ी हुई है और उनसे मम्मी नमक मांग रही है। सुनीता, हाँ जी जी, नमक ही क्या घर में? हाँ जी जी, थोड़ा नमक देना। जी जी, दिलाती हूँ, देती हूँ। अंदर से लाके नमक दिया थोड़ा सा, ठीक है, और ये अपने घर आ गई। इसे लगा कि भाई शायद हो सकता है घर में नमक खत्म हो गया तो मम्मी मांगने पहुंच गई नमक। बोला यार अपने घर में तो किराना एक महीने का पूरा इकट्ठा आता है, मम्मी पूरी लिस्ट में आती है, पूरा घर में किराना रखा होता है, फिर मम्मी नमक लेने क्यों गई? किचन में जाके देखता है, अरे डब्बे के अंदर नमक भरा रखा हुआ है, मम्मी कटोरी में जो नमक लेके आई वो किचन में किसी किनारे पे रखा, ऐसे ही रखा हुआ। बड़ा आश्चर्य इसको। फिर उसने अपने घर में जहां पे ग्रोसरी का सामान रखते थे खोलकर देखा तो नमक के पैकेट, दाल के पैकेट सब दिखाई पड़े। अब उसको बड़ा आश्चर्य कि मम्मी गई क्यों, क्या कारण था मम्मी वहां नमक मांगने पहुंची वहां पे। एक आध दिन तो सोचता रहा। अगले दिन पूछा, मम्मी हाँ, वो सुनीता आंटी के पास में तुम जो है वो नमक मांगने क्यों गई थी? तूने कब देखा? मैं दो बार पहले देखा था, एक बार मैंने अभी कल देखा और उसके बाद भी देखा। मैं क्या, आप तीन चार, मेरे याद आया कि चार दस दिन, आठ दस दिन पहले फिर आप पहुंची थी नमक लेने के लिए, जबकि उस समय अपने घर में बहुत नमक रखा हुआ था, अभी भी किचन में बहुत नमक रखा हुआ है, फिर आप नमक मांगने वहां क्यों जाती हो? जबकि वो सुनीता आंटी को देखा आपने, वो चाहे जब कभी एक कटोरी आटा मांगने आती है, कभी एक कटोरी चावल मांगने आती है, कभी थोड़ा सा बहन आधा कप दूध दे दो, घर में मेहमान आए हैं वो मांगने आती है। सुनीता आंटी का तो कोई वो ही नहीं है, हर दिन कभी तो सेब मांगने आती है कि बच्चा बीमार है बहन, एक सेब दे दो, एक केला दे दो। बहन घर में दो रोटी पड़ी क्या, पूछी हुई कोई हो तो दो रोटी दे दो। वो सुनीता आंटी का तो काम ही है, हर हमेशा मांगने आती है। आप भी शुरू हो गई अब देख देख के। तो मम्मी बोलती, शांति से यहां बैठो, मैं तुम्हें बतला दूं। पता है सुनीता के जो हस्बैंड हैं वो बहुत छोटी सी कहीं पे नौकरी करते हैं,
उनकी कमाई है 7 या 8 हजार रुपये महीना। परिवार में जो है वो 8-9 लोग हैं, माता पिता बूढ़े हैं, उनकी दवाइयाँ भी आती हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल की फीस सब चीज़ें होती है, कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, बहुत मुश्किल में उनका परिवार चलता है। वो तो घर कभी बना लिया था उन्होंने, कोई पुराना सा घर था उसमें वो रह रहे हैं वो लोग, बिजली का बिल नहीं भर पाते तो कई बार उनके कई कई दिन तक बिजली कटी रहती है। तो ये मालूम है ना? हाँ मम्मी। वो अपने घर में जब कभी 2 रोटी मांगने आती है ना, तो घर में आटा खत्म हो गया होता है, छोटा वाला बच्चा रो रहा होता है और खाने को नहीं होता, तो वो 2 रोटी मांग के ले आती है। जब वो 1 कटोरी आटा मांगने आती है तो घर में कुछ होता नहीं, तो 1 कटोरी आटा मांगने आती है। जब वो आधा कप दूध लेने आती है तो छोटे बच्चे को दूध पिलाना होता, दूध नहीं होता, उसमें पानी मिला के दूध पिलाती हूँ, उसके लिए आती हूँ, मैं देखी हूँ खुद। वो अक्सर कुछ ना कुछ मांगने आती हैं, बच्चा बीमार है तो फल मांगने आती हैं, वो कुछ ना कुछ मांगने आती हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है और मैं देती हूँ। लेकिन यदि मैं उनसे एक दिन नमक मांग लेती हूँ, 2-4 दिन में नमक मांग लेती हूँ, कुछ ऐसा मांग लेती हूँ जो बहुत सस्ता है और जिससे उनका स्वाभिमान रह जाए, उन्हें लगे, उन्हें ये बात मन में रहना चाहिए कि मैं उनकी मदद करती हूँ तो वो मेरी भी मदद करते हैं, उनके मन में ये बात रहना चाहिए कि यदि मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ करते हैं, नमक देकर, कुछ देकर। उससे क्या होगा? उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होगा, उसको लगता रहेगा कि देखो ये मेरी मदद करते हैं और मैं भी इनकी थोड़ी सी मदद करती हूँ, जितनी मेरे कैपेसिटी उतनी मदद करती हो, हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, संबंध बने रहेंगे, वो मांगती रहेंगी, हम देते रहेंगे, हम कभी कभी उनसे मांग लेंगे ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे। और बेटा ऐसी जिंदगी में संबंध बना कर रखने होते हैं, यदि मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो वो अपने आप को हीन महसूस करेंगी, उन्हें लगेगा कि हमेशा मैं ही जाके मांगती हूँ, देखो ये तो ये दीदी तो कभी कुछ नहीं मांगती, कभी आज तक जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं मांगा हमसे, जब कुछ नहीं मांगा है हमसे तो हमें मांगने में अब शर्म आती है। तो वो अगली बार बच्चा बीमार होगा, फल मांगने नहीं आएंगी, घर में खाना नहीं होगा तो वो अपने बच्चे को भूखा रख लेंगी, पर हमारे यहाँ पर नहीं आएंगी, हमारे यहाँ पर आकर उनके अंदर हिचक नहीं है, वो आयाती मांगने, हम उनकी मदद कर देते हैं, इसलिए बेटा मैं नमक मांगने गई थी। माँ ने एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया बच्चे को कि जिंदगी में याद रखना, जिसकी मदद करो ना तो कभी उसका ढिंढोरा मत पीटना, उसका जब मदद करो ना सामने वाले को इस बात का एहसास दिलाना कि तुमने भी हमारी मदद की है। हमने जो है जब कोविड का टाइम था तो हमने एक हमारी स्टूडेंट थी, उसके माता पिता की जॉब चली गई मेडिकल कॉलेज के अंदर, मदर फादर की जॉब चली गई, बहुत परेशान की फीस कैसे भरूंगी क्या करूंगी। मैंने कहा बेटा तू एक काम करेगी मेरे लिए? उसने बोला सर क्या करूं, मैं कुछ करना चाहती हूं, मुझे आपसे ऐसे मदद नहीं चाहिए, मुझे आपसे आप बताओ मैं क्या करूं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, क्योंकि आप बहुत कम फीस लेते हो और उसमें भी इतने सारे बच्चे जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो आप बताओ क्या करूं। मैंने कहा बेटा एक काम करते, तू मेरी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने में इसमें हेल्प करेगी मेरी? जी सर मैं कर दूंगी। पक्का करेगी? हाँ करूंगी। ठीक है, मैंने काम दिया, उसने काम करके दिया जितना उसको पैसा चाहिए था, कॉलेज की फीस के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए था, खर्चे फीस तो भरा है, बहुत कम फीस थी, गवर्नमेंट कॉलेज 10-12 हज़ार फीस होती है, फीस का पैसा, खर्चे का पैसा, फिर घर में परिवार में जो क्योंकि दोनों मदर फादर की जॉब चली गई थी तो सबका घर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में वो आ गई। 8 महीना 6-9 महीना काम किया उसने, मदर फादर की दोबारा जॉब लग गई, कोविड के समय की बात है ये। लड़की ने बोला सर आपने मेरी मदद की, थैंक यू वेरी मच, अब मैं अपने कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा जाओ बेटा कोई बात नहीं। उस बच्ची का स्वाभिमान मेंटेन रहा कि उसने गीतन सर के लिए बायोमेंटर्स के लिए कुछ किया, उसके बदले उसे पैसा मिला। मैं चाहता बोलता देख बेटा ले ले पैसा, ले दान दिया तेरे को, ले लेती हूँ, लेकिन स्वाभिमान बच्चे का मैं डाउन कर देता। मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा पैसा तो नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ सर मैं काम करूंगी, मिला। जिंदगी में क्या होता है कि हम मदद करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मदद करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा इंटेंशन होता है कि मेरा नाम हो जाए ऐसे, पहले बहुत भारी काम किया है, मेरा नाम हो जाए ऐसे, देखो मैं हूं रॉबिन हुड। नहीं, मदद ऐसे करना चाहिए कि आपने इस हाथ से मदद की है ना तो इस हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। मदद ऐसे करना चाहिए कि आप उसका ढिंढोरा ना पीटे, क्योंकि आप जब ढिंढोरा पीटते ना सामने वाला आदमी तो मजबूर था और तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठा के तुमने जो है वो उसके स्वाभिमान से खेल गए। तो ऐसे जो लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, किसी को एक कंबल दिया, एक बेचारा आदमी है कपड़े नहीं है उसको ठंड का समय, एक कंबल दिया एक फोटो खिंचा लिया, आई एम गिविंग दिस टू दिस,
ये कौन लेवल की मदद है। तो जिंदगी में बेटा है ना, याद रखना है मेरे कि नेकी कर और दरिया में डाल। मत सोचो इस बारे में कि क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। हमने बहुत धोखे खाए हुए हैं, बायोमेंटर्स ने बहुत धोखे खाए हुए हैं। कई बच्चों की मदद की हमने अनइंटेंशनली। किसी ने बोला कि साहब मेरा टिकट नहीं है, मेरे को जाना है, कल रिपोर्ट करना है एम्स गोरखपुर में, मेरा सिलेक्शन हुआ, टिकट नहीं है मेरे पास में, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। हमने एयर टिकट के पैसे भी दिए, सब कुछ किया हमने। जब वक्त ने बताया हमें कि नहीं, लोग आपकी मदद का नजायज फायदा उठा रहे हैं, तो हमने फिर सिस्टम का भी हम थ्रू प्रॉपर चैनल ही स्कॉलरशिप देंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम केवल हमारे क्लोज बच्चों के लिए, जो क्लोज बच्चा है हमको जानता है, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छे कॉलेज पढ़ रहा है, क्लोज है जो ग्रुप के अंदर है, वक्त जो आवश्यकता पड़ती है तो हम मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हम। बायोमेंटर कितना बड़ा बनेगा, कितना पैसा, वो सब बातें सेकेंडरी है। ये बात इतनी है कि मैं रात को चैन की नींद सो पाता हूँ कि नहीं सो पाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप से आईने में नजर मिला पाता हूं कि नहीं मिला पाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी सफलताएं, तात्कालिक उपलब्धियां, मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स सब बेमानी हैं यदि मैं अपनी आंखें अपने आप से ना मिला पाऊं, चैन से ना सो पाऊं। मेरे ऊपर किसी का भी दिल दुखाने का यदि आरोप लगे या उसका किसी का दिल मेरे कारण दुखाओ, तो वो सब बेमानी है। लाइफ में सक्सेसफुल बनने से भी इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा इंसान बनना। तो ऑलवेज फोकस टू बिकम ए गुड ह्यूमन बींग। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।